हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अ ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक नॉवेल दैट इज द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। इट इज रिटन बाय द रोमांटिक नॉवलिस्ट थॉमस हार्डी। एज यू सी दैट द टाइटल ऑफ दिस नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द होल नॉवल इज मूव अराउंड दिस टाइटल और दिस पोस्ट। कैस्टरब्रिज इज अ प्लेस, इज एन इमेजिनरी प्लेस, एक काल्पनिक स्थान है। और मेयर आपको पता ही है, मेयर एक पोस्ट होती है। तो कैस्टरब्रिज का मेयर, ये जो टाइटल है जो थॉमस हार्डी के इस नॉवेल का है, ये नॉवेल ओवरऑल देखा जाए तो एक ही व्यक्ति के लाइफ के अंदर जो स्ट्रगल्स आती हैं, जो हैप्पीनेस आती हैं, और कैसे वो व्यक्ति अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हुए अपने डेथ को जाता है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि लाइफ जर्नी ऑफ अ पर्सन। और वो पर्सन कौन है? दैट पर्सन इज मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जिसका नाम है माइकल हेंचार्ड। तो चलिए इसका इंट्रो देखते हैं। थॉमस हार्डी वॉज अ मेजर विक्टोरियन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हु ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इंटू अ मेजर 20th century पोएट। तो थॉमस हार्डी कौन है? विक्टोरियन नॉवलिस्ट है। विक्टोरियन होने के साथ साथ इसके अंदर रोमांटिक क्वालिटी भी है, या इसके वर्क्स में रोमांटिक क्वालिटीज भी देखने को मिलती हैं। सो हम इसको रोमांटिक भी बोल देते हैं, क्योंकि आपको पता है रोमांटिक एज के बाद ही विक्टोरियन एज स्टार्ट होता है। तो विक्टोरियन नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया, अपने आप को चेंज कर दिया कि इसमें 20th century के मेजर पोएट्स के रूप में, मतलब 20th century 20वीं शताब्दी के जो मेजर पोएट्स थे, जो अच्छे अच्छे पोएट्स हुए, उनमें से एक ये भी बना। मतलब अब आपने एक चीज़ देख लिया होगा कि ही वॉज द नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ऑल्सो अ पोएट। तीनों क्वालिटीज उसमें थी, तीनों प्रकार के वर्क्स वो लिखता था। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बोथ इन हिज नॉवेल एंड इन हिज पोएट्री बाई रोमेंटिसिज्म। अभी मैंने आपको बताया था कि उसके वर्क्स में रोमांटिक क्वालिटीज भी देखने को मिलती है। तो ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई बो इन बोथ, चाहे वो नॉवेल्स हों चाहे उसकी पोइट्रीज हों, बोथ ऑफ देम हैव द क्वालिटीज ऑफ रोमेंटिसिज्म, इंक्लूडिंग द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री की क्वालिटीज होती थी, वही कुछ क्वालिटीज उसके वर्क्स में भी देखने को मिलती हैं। ही वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ मच इन विक्टोरियन सोसाइटी, स्पेशली ऑन द डिक्लाइनिंग स्टेटस ऑफ रूरल पीपल इन ब्रिटेन। He was highly critical of much in Victorian society. Critical, it means you can say that he was criticized by, yeah, he was criticized by the people of Victorian society. And why the people of Victorian society criticized him? उसको क्यों criticize किया उन लोगों ने? Because he declines the status of rural people in Britain. क्योंकि ब्रिटेन में जो रूरल पीपल थे, जो ग्रामीण लोग जिंदगी जी रहे थे, उनका जो स्टेटस था वो उसको पसंद नहीं आता था, किसको? थॉमस हार्डी को। और वो उसके अगेंस्ट लिखता था, उसके अगेंस्ट रहता था। दैट्स वाई ही वॉज क्रिटिसाइज्ड बाई द पीपल ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी या द पीपल ऑफ ब्रिटेन। मैनी ऑफ हिज नॉवेल कंसर्न ट्रेजिक कैरेक्टर्स स्ट्रगलिंग अगेंस्ट देयर पैशन एंड सोशल सर्कमस्टेंसेज। ध्यान रखना,
ये जो लाइन है, ये लाइन आपको इस नॉवेल के बारे में बताएगा, क्योंकि इस नॉवेल में भी यही सीन देखने को मिलता है कि मेनी ऑफ हिज नॉवेल्स, बहुत सारे उसके ऐसे नॉवेल्स हैं कंसर्न्स मतलब रिलेटेड किससे, ट्रेजिक कैरेक्टर्स, किससे रिलेटेड है मतलब उसके मोस्टली नॉवेल्स में ट्रेजिक कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रगलिंग अगेंस्ट देयर पैशन, जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में अगेंस्ट देयर पैशन, अपने पैशन से अपने फीलिंग्स के अगेंस्ट, एंड सोशल सर्कमस्टेंसेज और सामाजिक परिस्थितियों के अगेंस्ट। मतलब उसके नॉवेल्स में जो हमें कैरेक्टर्स मिले हैं वो थोड़े से ट्रेजिक थे, मतलब दुखी टाइप के कैरेक्टर्स होते थे जो अपनी फीलिंग्स के साथ साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही साथ सामाजिक परिस्थितियों से भी उनको लड़ते हुए दिखाया गया है उसके नॉवेल्स में। ओके बच्चों, हिज नॉवेल्स आर ऑफन सेट इन फिक्शनल रीजन ऑफ वेसेक्स। वेसेक्स बच्चों एक स्थान है, कहाँ है ये, इंग्लैंड में बताया जाता है कि इंग्लैंड में है, लेकिन रियल में वेसेक्स नामक कोई स्थान नहीं है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि अभी आपने देखा है कि फिक्शनल रीजन ऑफ वेसेक्स, फिक्शनल मतलब काल्पनिक, रीजन मतलब क्षेत्र, ऑफ वेसेक्स। जैसे आपको याद हो तो आपने पढ़ा हो तो आर के नारायण जो इंडियन नॉवलिस्ट है, स्टोरी राइटर है, आपने सीरियल भी उसके देखे होंगे तो मालगुडी डेज करके सीरियल पहले आते थे, तो जिस प्रकार से आर के नारायण अपने नॉवेल्स में अपनी स्टोरीज में, आपने आर के नारायण का द गाइड पढ़ा होगा जिसमें राजू नाम का एक करेक्टर होता है, तो उसके नॉवेल्स में, आर के नारायण के नॉवेल्स में जिस प्रकार से हमें एक जगह या एक स्थान का नाम मिलता है मालगुडी, जबकि रियल में पूरे इंडिया में कहीं मालगुडी नामक स्थान नहीं है, एक काल्पनिक स्थान है ये मालगुडी, इसी तरह से थॉमस हार्डी अपने नॉवेल्स के लिए, अपने स्टोरीज के लिए एक काल्पनिक स्थान या काल्पनिक प्रदेश या एरिया का चूज करते हैं जिसका नाम होता है वेसेक्स। उसके मोस्टली नॉवेल्स में वेसेक्स नामक स्थान मिलता है, या उसके मोस्टली नॉवेल्स किस स्थान से रिलेटेड होते हैं, वेसेक्स से। हिज वर्क्स अनफोल्ड अगेंस्ट अ रूरल बैकग्राउंड ड्रॉन एज एन एनालॉजी फॉर वैनिशिंग कंट्री वेज बट विच ऑल्सो प्रोवाइड्स मच नीडेड कॉमिक रिलीफ। हिज वर्क्स अनफोल्ड, फोल्ड मतलब क्या होता है मोड़ना, और अनफोल्ड मतलब खोल देना, अगेंस्ट द रूरल बैकग्राउंड, इट मीन्स उसके नॉवेल्स में उसके वर्क्स में हमें जो रूरल बैकग्राउंड है, जो ग्रामीण या देहाती जो क्षेत्र है उसका जो दृश्य है वो पूरी तरह से ओपन दिखाई देता है, या उसके नॉवेल्स में उस दृश्य को या उस इमेज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, किसने, थॉमस हार्डी ने। और इसको कैसे एक्सप्लेन किया या कैसे ड्रॉ किया है, ड्रॉन एन एलजी एज एन एलजी फॉर वैनिशिंग कंट्री वेज, और उसने इस रूरल बैकग्राउंड को या देहाती क्षेत्र को ऐसे दर्शाया है जैसे कि इसमें दुख ही दुख भरा पड़ा हो और ये वैनिशिंग मतलब नष्ट होने की तरफ जा रहा है, वैनिश हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट विच ऑल्सो प्रोवाइड्स मच नीडेड कॉमिक रिलीफ, लेकिन उसके वर्क्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसमें कुछ कॉमिक रिलीफ भी मिलता है। कॉमिक रिलीफ एक लिटरेरी टर्म है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था लिटरेरी टर्म्स उसमें मैंने एक लिटरेरी टर्म पढ़ाया था कॉमिक रिलीफ, कि ट्रेजिक मोमेंट्स के बीच में जब कोई एक मौकरी टाइप का या फन टाइप का सीन आ जाए या कोई कैरेक्टर आ जाए तो उसको कहते हैं कॉमिक रिलीफ। कई बार आप मूवीज़ में देखते हो, कोई सैड मूवी देखते रहते हो, उसके बीच में हंसी मजाक करने वाला कोई सीन आ जाता है तो उसको कहते हैं कॉमिक रिलीफ। वो इसलिए डाला जाता है प्ले में या नॉवेल में ताकि जो ऑडियंस है या जो मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं उनके दिमाग पे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट न पड़ पाए किसका, ट्रेजिक का, या उनके दिमाग में कुछ इमेज, निगेटिव इमेज न क्रिएट हो पाए। दैट्स वाई वो उनके दिमाग को चेंज करने के, माइंड को थोड़ा सा ट्रेजिक मोमेंट से बाहर लाने के लिए कॉमिक रिलीफ अपने नॉवेल में या अपने ड्रामा में लेकर के आते हैं। तो आपने देख लिया थॉमस हार्डी के बारे में, थोड़ी सी जानकारी मिल गई आपको। अब आगे के पेज पे देखते हैं, आगे के पेज पे क्या है। अब बात करते हैं इस नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के बारे में।
तो द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, बच्चों अगर इसका फुल टाइटल देखें तो इसका फुल टाइटल है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, मतलब जीवन और मृत्यु एक व्यक्ति की या एक कैरेक्टर की, और वो कौन है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, इसका फुल टाइटल है। एंड इट वॉज या इट इज़ एन 1886 नॉवेल, मतलब 1886 में ये पब्लिश हुई बाय इंग्लिश ऑथर थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी के द्वारा 1886 में इसको पब्लिश किया गया। वन ऑफ हार्डीज वेसेक्स नॉवेल्स, अभी मैंने आपको बताया था कि थॉमस हार्डी अपने नॉवेल्स में वेसेक्स नामक स्थान को इम्पोर्टेंस देता है, तो ये उसके वेसेक्स नॉवेल्स जो थे उनमें से एक था ये। एंड इट इज सेट इन अ फिक्शनल रूरल इंग्लैंड विद कैस्टरब्रिज स्टैंडिंग इन फॉर डॉरचेस्टर इन डॉरसेट वेयर ऑथर स्पेंट हिज यूथ। डॉरचेस्टर एक स्थान है, कहाँ है ये, डॉरसेट में है, और ये दोनों कहाँ है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक स्थान है डॉरचेस्टर जो कि डॉरसेट में है, या आप ऐसे कह सकते हो कि इंग्लैंड में डॉरसेट नामक स्थान है, उसके एरिया में ही एक स्थान पड़ता है डॉरचेस्टर, और वहाँ पर जो ये ऑथर है या थॉमस हार्डी है, इसने अपना यूथ स्पेंड किया था, अपना युवावस्था वहाँ बिताया था, तो वहीं पर उसने इस फिक्शनल जो स्थान है कैस्टरब्रिज, इसके बारे में सोचा, और इसने इसी फिक्शनल टाउन या फिक्शनल एरिया के नाम से इस नॉवेल को लिखा है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1886, अभी बताया था कि पहली बार कब पब्लिश हुआ था, 1886 में। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज वन ऑफ हार्डीज मोस्ट रिनोन्ड वर्क्स, फेमस ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन हिज राइज एंड फॉल ऑफ माइकल हेंचार्ड। ये जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है, हार्डी के जो फेमस वर्क्स हैं उनमें से एक है, और ये मोस्टली किसकी वजह से फेमस हुआ है, राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल मतलब उत्थान और पतन, किसी का उत्थान होना और फिर उसका पतन हो जाना, और ये किसी कौन है, माइकल हेंचार्ड। ये माइकल हेंचार्ड के उत्थान और पतन की स्टोरी है। देयर आर नो डिसग्रेशन टू डाइवर्ट द रीडर्स अटेंशन फ्रॉम हिज स्टोरी, मतलब पूरी की पूरी स्टोरी किसके ऊपर सेंटर्ड है, माइकल हेंचार्ड के ऊपर, कोई डिसग्रेशन नहीं, कोई डाइवर्जन नहीं है थॉट्स का या आइडियाज़ का। इवन द सब प्लॉट्स ऑफ द बुक इंक्लूड हेंचार्ड, यहाँ तक कि जो बुक में सब प्लॉट की बात की गई है, जो दूसरी स्टोरीज की बात की गई है जो बुक में एक्सप्लेन किया गया है, उसमें भी माइकल हेंचार्ड इंक्लूड होता है। इट इज फॉर्चुनेट दैट हेंचार्ड अपीयर्स इन ऑलमोस्ट एवरी कैरेक्टर टू होल्ड द बुक टुगेदर, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत फॉर्चुनेट बात है, या बहुत सही बात है कि माइकल हेंचार्ड हर एक चैप्टर में इंक्लूड है, या उसकी स्टोरी हर एक चैप्टर में एक्सप्लेन की जाती है, जिसकी वजह से उसने पूरी स्टोरी को एक साथ बांध रखा है, या पूरी बुक को एक साथ बांध रखा है। फॉर द प्लॉट इज लाइक लाइटली निट ओनली गिविंग अ वैग्यू इम्प्रेशन ऑफ यूनिटी, अगर ये नहीं होता माइकल हेंचार्ड, या उसके बारे में पूरी स्टोरी में नहीं बताया जाता, तो इस नॉवेल में जो प्लॉट है और जो यूनिटी है ये क्लियर नहीं दिखाई देती, या एक साथ नहीं दिखाई देती, प्लॉट पूरा बिखरा हुआ दिखाई देता। अब बात करें बच्चों हम इस नॉवेल के जो मेन मेन कैरेक्टर्स हैं, जो मेन मोस्ट कैरेक्टर्स हैं या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर्स है अपना कैरेक्टर्स में, वो है माइकल हेंचार्ड, हु इज द प्रोटागोनिस्ट या हु इज द हीरो ऑफ दिस नॉवेल। तो माइकल हेंचार्ड कौन है, ए यंग माइग्रेंट फार्म लेबरर, दूर कहीं से आया हुआ एक फार्म लेबरर है, मतलब खेत में काम करने वाला है, और अभी युवा अवस्था में है। हु बिकम्स अ वेल्दी एग्रीकल्चर मर्चेंट एंड मेयर ऑफ द टाउन ऑफ कैस्टरब्रिज, जो कोइंसिडेंसली या अपने लकली या
डेस्टिनी उसकी उसको सपोर्ट करती है और वो एक वेल्दी एग्रीकल्चरल मर्चेंट बन जाता है और साथ ही साथ वो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज भी बन जाता है। मतलब पहले तो मर्चेंट बनता है फिर मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज भी बन जाता है। दूसरा जो करेक्टर इसमें है वो है सुसन हेंचार्ड। सुसन हेंचार्ड जो है वो बात करें तो वो माइकल हेंचार्ड की वाइफ है और जिसको वो बेच देता है एक कंट्री फेयर में, एक देहात में एक मेला लगा हुआ होता है तो उसमें वो अपनी वाइफ को बेच देता है, साथ ही साथ अपने बेटी को भी एलिजाबेथ जेन, जिसका नाम क्या है एलिजाबेथ जेन। मतलब माइकल हेंचार्ड उस मेले में जाता है और वहाँ शराब के नशे में अपनी वाइफ और अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन को 5 गिनी में एक न्यूसन नामक या रिचार्ड न्यूसन नामक सेलर को, नाविक को बेच देता है। थर्ड जो कैरेक्टर है वो रिचार्ड न्यूसन है। ये एक सेलर है, समुद्री नाव का नाविक है जो कि सुसन और एलिजाबेथ जेन को खरीदता है। किससे? हेंचार्ड से। एलिजाबेथ जेन न्यूसन, बच्चों इस स्टोरी में दो एलिजाबेथ जेन हैं, एक है एलिजाबेथ जेन और एक है एलिजाबेथ जेन न्यूसन। जो एलिजाबेथ जेन है वो माइकल हेंचार्ड और सुसन हेंचार्ड की बेटी है, जबकि जो एलिजाबेथ जेन न्यूसन है वो रिचार्ड न्यूसन और सुसन हेंचार्ड की बेटी हैं। डोनाल्ड फारफ्रे जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है डोनाल्ड फारफ्रे। डोनाल्ड फारफ्रे कौन है? ये स्कॉटलैंड का एक पर्सन है जिससे हेंचार्ड मिलता है, माइकल हेंचार्ड मिलता है। कहाँ? वहीं कैस्टरब्रिज में। वो अमेरिका जा रहा होता है लेकिन वो उसको राजी कर लेता है कि वो हेंचार्ड में वो कैस्टरब्रिज में रुके और उसका मैनेजर बन जाए। तो फारफ्रे जो है उसका मैनेजर बनना एक्सेप्ट कर लेता है और वहीं पे रुक जाता है उसके साथ ही। लेकिन बाद में जैसे जैसे फारफ्रे के जीवन में एलिजाबेथ जेन न्यूसन की एंट्री होती है, ये दोनों एक दूसरे के राइवल हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। कहाँ? इन बिजनेस एंड ऑन द पोस्ट ऑल्सो, दोनों में, बिजनेस में भी और पोस्ट पर भी। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है लुकेटा टेम्पलमैन। लुकेटा जो टेम्पलमैन है ये एक जर्सी वूमेन है, जर्सी की रहने वाली है, जो माइकल हेंचार्ड से मिलती है और उससे प्रेम करने लग जाती है। बाद में माइकल हेंचार्ड जब वापस लौट आता है वहाँ से, जर्सी से, तो वो वापस आती है कहाँ? कैस्टरब्रिज में। इस उम्मीद के साथ आती है कि वो माइकल हेंचार्ड से शादी कर लेगी, लेकिन वहाँ पर वो मिलती है किससे? फारफ्रे से मिलती है और वो उससे प्रेम करने लग जाती है और बाद में उससे वो शादी भी कर लेती है। नेक्स्ट जो करेक्टर हम इसमें पढ़ेंगे उसमें है जेसुआ जॉब। जेसुआ जॉब की बात करें तो ये माइकल हेंचार्ड का ही एम्प्लॉय था और इसका इम्पॉर्टेंट रोल कब देखने को मिलता है? जब लुकेटा टेम्पलमैन माइकल हेंचार्ड से कहती है कि मेरे लव लेटर्स मुझे वापस कर दो, और माइकल हेंचार्ड जेसुआ जॉब को देता है कि ये लव लेटर्स ले जा करके लुसेटा को दे दो। लेकिन ये रास्ते में कुछ बुरे लोगों की संगति में आ जाता है और वो लव लेटर खोल करके सारे लोग पढ़ते हैं और उसके बाद जो है स्किमी राइडर, जो उन लोगों को बदनाम करने का एक जुलूस निकाला जाता है, उसमें ये रोल प्ले करता है। तो जेसुआ जॉब वो है। और एक कैरेक्टर जिसके बारे में हमें जान लेना चाहिए वो है मिसेज गुडेनफ। मिसेज गुडेनफ की बात करें बच्चों, तभी मैंने आपको बताया था कि गांव में एक मेला लगा था जिसमें माइकल हेंचार्ड अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बेच देता है। तो मिसेज गुडेनफ जो है उस मेले में शराब बेचने वाली फॉर्मेटिव वुमेन है, मतलब शराब बेचने वाली एक औरत है, उसी ने उसको शराब पिलाया और इसी के सामने पूरी इंसिडेंट हुई कि वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ को बेच देता है और वो बहुत ज़्यादा उससे चिढ़ भी जाती है, गुस्सा भी हो जाती है। बाद में यही मिसेज गुडेनफ जब माइकल हेंचार्ड मेयर बना होता है और उसकी सुनवाई हो रही होती है किसी केस में मिसेज गुडेनफ के खिलाफ, तो ये माइकल हेंचार्ड की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर देती है जिससे माइकल हेंचार्ड का रेपुटेशन और भी ख़राब हो जाता है। तो ये जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम इसके बाद वाला वीडियो शूट करेंगे उसमें आपको पूरे नॉवेल की स्टोरी सुनाएंगे
या उसके बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ इसमें मेन थीम्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सो आज के लिए आप अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए कि थॉमस हार्डी क्या है, कैसे नॉवल किससे रिलेटेड है, और इस नॉवल के जो मेन मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में अपना दिमाग एक बार आप सेट कर लीजिए। बाकी इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे इसकी स्टोरी को। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।